वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो योर ब्लॉग्स, मैं हूं तुषार। दिन की शुरुआत करते हैं अंडा और ब्रेड के साथ। 26 तारीख को सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब बंद होने वाले थे, लेकिन मेरी जिंदगी में एक नई चीज आ गई। नहीं है, जो पुरानी थी जो अब आ गई है वो है पबजी। तो यार मैं इतने दिन से गायब इस वजह से था क्योंकि मैं सिर्फ पबजी खेल रहा था। वो वीपीएन से कनेक्ट करके सारा कुछ जुगाड़ करके मस्त पबजी खेल रहा हूँ पूरे दिन, सुबह शाम। अभी भी शाम होने वाली है क्योंकि सुबह से पबजी खेल रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा व्लॉग कॉम्प्रोमाइज हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी ऐसा नहीं है कि यार एक ही फोन है यार, इसमें ही व्लॉगिंग हो रही है, इसी में सब कुछ हो रहा है, गेम भी खेलना है, कॉल भी करनी है, मैसेज भी करना है, सब कुछ इसी फोन से करना है, तो कैसे चलेगा। तो यार थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करो यार, कैमरा वैमरा के लिए क्या बोलूं मैं, कुछ जुगाड़ हो जाए। लेकिन जो 26 तारीख को जो सीन था ना, जब ऐप बंद होने वाले थे, सबके सब अपने इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं कि आ जाओ यार दोस्तों स्नैप पे आ जाओ, आ जाओ यार हाउस पार्टी में आ जाओ इधर भीड़ लगा लेते हैं। मैं ला यार गिन चुन के लोगों को, लास्ट में 4-5 लोग ही बचते, उन लोगों से ही बात करनी है, लेकिन भीड़ पूरी चाहिए। कोई बात नहीं, सबका यही हाल है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा इन सबसे जो खुश थे ना, वो थे घर वाले। वो चाहते थे यार ये सब ना बैन हो, खत्म करे ये सिलसिला, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चा लोग कर क्या रहा है, यही सब चीजें कर रहा है, और घर पे लेके तो और पड़े रहते हैं। मैं भी पड़ा रहता हूँ कभी कभार, इतना भी ऐसा काम नहीं करता हूँ मैं, मतलब हाँ ऐसा है कि मैं कभी कभी काम कर लेता हूँ, लेकिन यार कभी कम काम करने का नहीं मन करता तो पड़ा रहता हूँ। तो मैं बोलती है सारे ऐप की गलती है, सब ऐप ही है, ये फोन ही चीज है, पहले तो कैमरा दिला दो, फोन तो रख दूंगा। यार जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। यार एक तो लॉकडाउन हो जाता 8 बजे, इस वजह से ठंड सही थी क्योंकि अंधेरा हो जाता था। अब 8 बजे तक शाम हो रही है और हम लोग घर पे चले जा रहे हैं, तो ट्राई करूंगा सनसेट रिकॉर्ड करने का, ट्राई करूंगा यार, प्रॉमिस नहीं कर सकता। कि कभी कभार ऐसे हो जाता है कि बोल देता हूँ फिर वो चीज एडिटिंग में कट करनी पड़ती है, तो इतना झूठ नहीं हो सकता, जो है सो है, समझ रहे हो। अभी यार भूख लगी है क्योंकि शाम हो गई ना, पबजी खेल रहा था। और देखो कबूतर, लंच में का है, ये चावल दाल है, चावल दाल एंड चोखा, पेट भरने वाला खाना खा लेता हूँ क्योंकि मैंने सनसेट देख लिया, 7:30-12 के अराउंड होता है, तो अभी 5:30 हो रही है, 6 बजे तक ऊपर जाएंगे क्योंकि अभी बहुत धूप हो रही है, 5:30 बज रहे हैं। और अभी यार अभी भैया ऊपर इस वजह से क्यों नहीं बैठता है वो भी बताऊंगा, क्योंकि वो यहाँ पे बैठा है। और भैया आजकल नीचे इस वजह से बैठने लगे क्योंकि यार ऊपर ना यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन जब से ये नीचे काम करने लगा है तो यार मैं देख रहा हूँ कितने आराम से बोल सकता हूँ यहाँ पे, वरना बोलता रहता है, यहाँ नहीं बोल सकते। इस वजह से तो शाम का वेट करना पड़ता है क्योंकि मम्मी का नीचे देख रहे हो क्लासेस, ये सब चीजें चल रही होती है, और यहाँ पे मेरे को थोड़ा ब्लॉक करने का थोड़ा मिल गया है। अभी भी धूप ही हो रखी है यार, थोड़ा सा हल्का सा धूप हटेगा तब हम लोग ऊपर जाएंगे छत पे। ऐसे तो 45 डिग्री तक था सुबह क्योंकि बहुत गर्मी हो रखी थी, लेकिन अभी ये 37 जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे कम होने लगता है, लेकिन गर्मी रहती है। जैसे कि अभी भी गर्मी है, ह्यूमिडिटी वाली चिपचिप वाली गर्मी है ये वाला है, तो इसमें यार बहुत हम लोग को दुख होता है। अभी तो जून आने वाला है, जून में तो और गर्मी, बहुत गर्मी गर्मी गर्मी। और शाम हो गई तो मैं छत पे आया, तो अभी सनसेट होने में थोड़ा टाइम है, लेकिन अपन को कैमरा भी तो सेट करना है, लगाएंगे कैमरा। मम्मी को लग रहा था मैं इतनी देर से मम्मी के फोटो ले रहा हूँ, तो मम्मी फोन लेके खड़ी थी, बल्कि मैंने कैमरा अपनी तरफ कर रखा था। मम्मी आंटी लोग के साथ क्यों नहीं बैठे, तुम्हारी लड़ाई हो रखी है, देखो आंटी हाय कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हम लोग। पता नहीं आज सुबह से मम्मी मेरे को कह रही है कि तुम चोर दिख रहे हो, चोर जैसा, तो हाँ चोर जैसा। ब्लैक कलर का टी शर्ट मुझे तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ब्लैक शर्ट अच्छा लगता है। वो तो फट गया। वजह भी तो बताओ, क्या फटा। फटने की रीजन ये था कि मेरी भैया से लड़ाई हो गई थी और
एक दूसरे में हमने एक दूसरे का शर्ट फाड़ दिया और स्विच बोर्ड तोड़ा और दो चीजें टूटी थी। ये सब छोड़ो, सनसेट रिकॉर्ड किया वो बताना यार, अच्छा नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं। मम्मी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रोज बोलता हूँ कि कैमरा दिला, मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा तू देखो शक्ल होगी तो मिलेगी। चला ठीक है, वहाँ पे लेडीज लड़कियों का काफिला हर जगह रहता है, हर जगह हम लड़कियों से घिरे हुए हैं। एक दिन कपड़े धोया था ये, और दिखाने के लिए कैमरा ऑन करके कुछ भी नहीं करता। तो अभी ऊपर से लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं? नाचा करना सिर्फ स्टाइल देते, स्टाइल एक नंबर का स्टाइलिस्ट है। सिर्फ स्टाइल लेता हूं मैं यार। अच्छा बताओ क्या क्या लेके आना है? पिलो कवर, क्योंकि ये सारे पिलो कवर मैंने धो लिए। ठीक, सुन लिए? हाँ सुन लिए। और ऐसा नहीं है यार, मैं मम्मी की मदद करता हूँ, और ये हमेशा ना, एक तो कैमरा इधर है, जब मैं सेल्फी कैमरा से करता हूँ तो कैमरा इधर है और अपने आप को देखता रहता हूँ, तो कैमरा पे देखना चाहिए हमेशा। मैं ना कपड़े ढंग से बिल्कुल नहीं धो रहा हूँ, मतलब गंदे नहीं हो रहे, साफ तो हो रहे हैं, लेकिन जो मम्मी जैसे धोती है ना यार, वैसे धुलते ही नहीं है मेरे से। मतलब मम्मी जब एक शर्ट धोती है वो भाई कलर छोड़ता ही नहीं, एकदम नया स्टार्टिंग से जैसे लेके आओ। और एक बार मैंने एक शर्ट धो दिया था और उसके बाद से तो भाई वो लग ही नहीं रहा है कि वो नया है, पूरा एकदम वो उसका कलर उड़ गया, तो मैंने छोड़ दिया। अभी मैं जा रहा हूँ काम वाम करने, थोड़ा कर दे तो यार मम्मी गुस्सा करेगी, फिर बोलती रहेगी कुछ करता नहीं है काम धाम ब्ला 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 ब्ला। तो मैं जा रहा हूँ, तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय, कल मिलता हूँ, कम खेलूंगा पबजी और आ जाऊंगा, टेंशन मत लो।